रिच बनना और रिच बने रहना ये दोनों काफी अलग चीजें हैं। अक्सर हम अपने किसी दूर के रिश्तेदार के बारे में सुनते हैं कि इनके पास पैसा बहुत है पर इन्हें पैसा संभालना नहीं आता। क्योंकि दोस्तों पैसा बनाना और उसे संभालना एक स्किल है जो हमें स्कूल की किताब में नहीं पढ़ाया जाता पर अनुभव के साथ ही कला सीखी जा सकती है। अच्छा आपने सुना होगा कि चाय वाले के पास 3 करोड़ का घर है और हम पूरा दिन एसी ऑफिस में बैठकर व्हाइट कॉलर जॉब करके भी इतना पैसा नहीं कमा सकते कि हम भी ऐसा ही घर ले सकें, है ना। चलिए आज चर्चा करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी पर, जिसे लिखा है जाने माने फाइनेंशियल जर्नलिस्ट मॉर्गन हाउसल ने, जिन्हें उनकी फाइनेंशियल दुनिया ने काफी सारे अवार्ड से सम्मानित किया है। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी भारती। मॉर्गन ने इस किताब में काफी अच्छे तरीके से समझाया है कि पैसे के मामले में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम क्या और कितना जानते हैं, बस जरूरी यह है कि हम मिली हुई जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हालांकि ये थ्योरी साउंड बहुत अमेजिंग कर रही है पर इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत मुश्किल है। काफी स्मार्ट लोग भी अपने ज्ञान का फायदा सही जगह पे सही इन्वेस्टमेंट करके नहीं ले पाते और कभी कभी गलत कदम लेने से उनके डिपेंडेंट यानी बच्चे माता पिता और पार्टनर्स को भी फाइनेंशियल संकट से गुजरना पड़ता है। रियल वर्ल्ड में लोग सिर्फ चार्ट या एक्सेल शीट्स देखकर ही अमीर नहीं बनते, उसके लिए एक प्लान बनाकर उस पर स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। इसीलिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क, फाइनेंशियल स्वतंत्रता, टाइम मैनेजमेंट और सरप्राइजेस से तैयार करने के लिए इस किताब में राइटर ने 19 शॉर्ट स्टोरीज बताई हैं, जिससे आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस और दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। जैसे कि रोनल्ड जेम्स रीड अमेरिका में सिक्योरिटी गार्ड और गैस स्टेशन पर काम करने वाले एक आम इंसान थे। बरसों तक मामूली सैलरी में काम करने के बाद 38 साल की उम्र में उन्होंने $12,000 का एक 2 BHK घर खरीदा। उनकी मौत 2014 में 92 वर्ष की उम्र में हुई और तब इस गरीब विनम्र सुरक्षा गार्ड का इंटरनेशनल हेडलाइंस में नाम आया। पता है मरते वक्त उनकी संपत्ति $8 मिलियन थी। उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही ये पैसे उन्हें विरासत में मिले थे। रीड ने जितना हो सका उतना पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, फिर उन स्टॉक्स के ग्रो होने का पेशेंटली इंतजार किया और एक दिन उनकी वो छोटी सी बचत $8 मिलियन से ज्यादा हो गई। जब पैसे को पता चलता है ना कि वो अच्छे हाथों में है तो वो उन हाथों में ही रहना और ग्रो होता खुद को देखना चाहता है। मॉर्गन के हिसाब से जब आप पैसा और समय दोनों का सम्मान करेंगे तो वो आपके पास खींचा चला आएगा और समय के साथ अपने आप को बढ़ाता चला जाएगा। आपका समय भी तो आपके पैसे जितना अनमोल है, तो समय और पैसा दोनों बर्बाद ना करके सीखते हैं ऐसे स्किल्स जिनसे हम कंट्रोल करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी। धरती पर होने वाला सबसे बड़ा प्रदर्शन। धन वो नहीं है जो आप कमाते हैं बल्कि वो है जो आप रख पाते हैं। ये एक बहुत सटीक और सच्ची कहावत है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे सहेज कर रख पाना मुश्किल है। हम लोग अक्सर जोश में आकर पैसों की परवाह नहीं करते। 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो कहकर अपनी गाढ़ी कमाई को उड़ा देते। इसके परिणाम कभी भी हमारे हित में नहीं होते। याद रहे धन और संपदा उसी के पास रहती है जो उसका आदर करना जानते हैं, उसे समझदारी से खर्चते हैं, क्योंकि बुद्धिमानी बचत और सही जगह निवेश में ही है और यही समृद्ध जीवन का मूल मंत्र है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी और चर्चा का विषय है जाने माने वित्तीय पत्रकार और लेखक मॉर्गन हाउसल की लिखी बेस्ट सेलिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान। आइए लेखक ने जो कहानी बताई है उसका सार समझते हैं। मैंने अपने कॉलेज जीवन में कई साल लॉस एंजलिस के एक बहुत ही शानदार होटल में बतौर सेवक गुजारे। वहां काम करते हुए मैंने बहुत से सबक सीखे पर जो मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गया वो किस्सा कुछ यूं था। हमारे होटल में एक विशिष्ट अतिथि अक्सर आया करते थे। वो एक प्रौद्योगिकी कार्यकारी थे, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने बहुत कम उम्र में वाईफाई राउटर में एक प्रमुख डिजाइन पेटेंट करवाया था। उन्होंने कई कंपनियों को भी शुरू किया और सफल होने पर उन्हें बेचते गए। जाहिर है ये सब करके उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। उन्होंने सफलता की बुलंदियों को बहुत कम समय में ही छू लिया। हर कोई उन्हें बहुत ही बुद्धिमान और तेज समझता था पर उनका पैसे के साथ जो रिश्ता था उसे मैं बेहद बचकाना और मूर्खतापूर्ण कहूंगा।
उनके पास अक्सर $100 के नोटों की कई इंच मोटी गद्दी होती थी, जिसे वो हर किसी को दिखाते रहते थे। जो इसे देखना चाहते थे उन्हें भी, और जो नहीं देखना चाहते थे उन्हें भी। वो अपनी धन संपत्ति के बारे में खुलेआम और जोर जोर से डींगे मारते थे। अक्सर नशे में रहते थे और किसी को भी कुछ भी नहीं समझते थे। एक दिन उन्होंने मेरे एक साथी को बहुत सारे पैसे दिए और कहा, पास की सुनार की दुकान से सोने के सिक्के ले आओ। एक घंटे बाद वो और उनके कुछ चाटुकार दोस्त, जो सिर्फ दूसरे के पैसों पर ऐश किया करते थे, हाथ में सोने के सिक्के लेकर प्रशांत महासागर की ओर मुंह करके खड़े हो गए और एक एक करके वो सिक्के समुद्र में ये देखने के लिए फेंकने लगे कि किसका सिक्का सबसे दूर तक जाता है, सिर्फ अपने कुछ समय के मनोरंजन के लिए। बताइए इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी। कुछ दिनों बाद उनसे होटल का एक कीमती लैंप टूट गया और जब हमारे मैनेजर ने उनसे कहा कि ये $500 का है और आपको इसका हर्जाना देना होगा, तो अपनी जेब से नकदी की एक पूरी गद्दी निकालते हुए उन्होंने मैनेजर को सौंप दी और कहा, ये $5,000 हैं, इसे रखो और मेरे सामने से दूर हट जाओ। खबरदार कभी भी फिर इस तरह से मेरा अपमान किया तो। क्या बता सकते हैं कि उनका ये व्यवहार कितने समय तक चला होगा? जी हाँ, ज्यादा लंबे समय तक नहीं। कुछ ही सालों बाद पता चला कि वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे। तो सीधी सी बात यह है कि आप कितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकते हैं, पर अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं तो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक वित्तीय आपदा बन सकते हैं। आप पर दुनिया भर का कर्ज चढ़ सकता है और उसके बोझ तले आपका जीवन बहुत ही मायूस हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इसका उल्टा होना भी संभव है। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो बिना किसी बड़ी वित्तीय शिक्षा के और बेहद साधारण प्रतिभा रखने पर भी ढेर सारा धन कमाकर सिर्फ इसलिए अमीर हो गए क्योंकि उनके पास वो व्यवहार कौशल था जिसका बुद्धि के औपचारिक उपायों से कोई लेना देना नहीं है। यानी धन कमाना आसान है, धनी बने रहना मुश्किल। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान नामक किताब की। इसी तरह की कई छोटी बड़ी कहानियां और उनके पीछे के संदेश के साथ हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। धन संचय और सही निवेश। अमेरिकी एक्टर विल रॉजर्स ने बहुत सरलता से कितनी गंभीर बात कही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करते हैं उन चीजों को खरीदने के लिए जो वो नहीं चाहते, और उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जो उन्हें पसंद नहीं है। है ना कमाल की बात। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, अपना घर भर देते हैं बेकार की चीजों से, वो भी बेकार के लोगों को दिखाने के लिए। कहिए आप भी इस बात से सहमत है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी और आप है मेरे साथ एक ऐसी किताब की चर्चा में जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को पैसे का सही मोल समझाया है। बात हो रही है मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। इस किताब में बहुत ही आसान भाषा में और अनेक सच्ची कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि धन अर्जित करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे सहेज कर रख पाना। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक सच्ची कहानी। क्या आपने रोनाल्ड जेम्स रीड का नाम सुना है? रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी परोपकारी और निवेशक थे। एक जमाने में वो चौकीदार और गैस स्टेशन परिचालक भी रहे। रीड का जन्म वर्मोंट नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था। अपने परिवार में हाई स्कूल तक पढ़ने वाले वो पहले व्यक्ति थे। जो लोग उन्हें जानते थे उनके लिए वो एक मामूली इंसान थे और उनके जीवन में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। बरसों तक मामूली आमदनी में काम करने के बाद उन्होंने 38 साल की उम्र में $12,000 में 2 बेडरूम का घर खरीदा और जीवन भर वहीं रहे। उनकी मृत्यु साल 2014 में 92 वर्ष की उम्र में हुई और तब तक इस गरीब विनम्र ग्रामीण चौकीदार ने अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। उस साल जितने भी अमरीकियों की मृत्यु हुई उनमें से ऐसे लोगों की संख्या 4,000 से भी कम थी जिनकी कुल संपत्ति $8 मिलियन से अधिक हो। और क्या आप जानते हैं कि रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे? अपनी वसीयत में इस भूतपूर्व चौकीदार ने अपने बच्चों के लिए $2 मिलियन और अपने स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन से अधिक छोड़े। जो लोग रीड को जानते थे वो चकित थे, किसी को उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बाद में पता चला कि उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही कोई विरासत थी उनके पास। रीड ने जितना हो सका उतना पैसा बचाया।
और ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश किया। फिर उन्होंने बड़े धैर्य के साथ कई दशकों तक इंतजार किया और एक दिन उनकी वह छोटी सी बचत $8 मिलियन से अधिक हो गई। तो ये था एक मामूली चौकीदार से एक विश्वविख्यात परोपकारी बनने तक का उनका सफर। और अब चलते हैं इसी विषय पर अपने दूसरे उदाहरण की ओर। रोनल्ड रीड की मृत्यु से कुछ महीने पहले रिचर्ड नाम का एक और व्यक्ति चर्चा में था। रिचर्ड फस्कोन वो सब कुछ था जो रोनल्ड रीड नहीं था। MBA की डिग्री, हार्वर्ड शिक्षित, मेरिल लिंच के कार्यकारी, रिचर्ड का फाइनेंस में बहुत सफल करियर था। 2000 के दशक में रिचर्ड ने ग्रीनविच कनेटिकट में अपने विशाल और आलिशान बंगले का विस्तार करने के लिए भारी उधार लिया। इस महलनुमा घर में 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 पूल, 7 गैरेजेस थे और इसकी देखरेख का खर्चा एक महीने में लगभग $90,000 से भी अधिक था। फिर 2008 में दुनिया भर में वित्तीय संकट आया। ऐसे में बहुत अधिक कर्ज और अतरल संपत्ति ने रिचर्ड को दिवालिया बना दिया। 2008 में उन्होंने कथित तौर पर अदालत को बताया कि उनके पास कोई आय नहीं है। पहले उनके पाम बीच हाउस को बंद किया गया। 2014 में ग्रीनविच हवेली की बारी थी और आखिरकार नीलामी में उनकी सारी संपत्ति औने पौने दाम में बिक गई। इन कहानियों के बारे में आकर्षक बात यह है कि कैसे कोई व्यक्ति बिना किसी कॉलेज डिग्री, बिना किसी प्रशिक्षण, किसी पृष्ठभूमि, बिना किसी औपचारिक अनुभव और किसी कनेक्शन के किसी ऐसे को पछाड़ सकता है जिसके पास सबसे अच्छी शिक्षा, सर्वोत्तम प्रशिक्षण और बेहतरीन कनेक्शन हो। रोनल्ड रीड धैर्यवान था, रिचर्ड फस्कोन लालची था और इन दोनों के बीच बड़े पैमाने पर शिक्षा और अनुभव का अंतर था। फिर भी देखिए कि अंत में बाजी किसने मारी, है ना सोचने लायक बात। आगे की चर्चा में अभी बहुत कुछ बाकी है, आप बने रहें हमारे साथ। पैसा और व्यवहार, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितना पैसा सहेज पाते हैं। ये आपके लिए कितनी मेहनत करता है और आप इसे कितनी पीढ़ियों के लिए रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात है जो हम अक्सर भूल जाया करते हैं, आज में जीने का दम भरते हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी और बात हो रही है मॉर्गन हाउसल की लिखी इस अनूठी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। आज के समय में दो विषय सभी को प्रभावित करते हैं, चाहे आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं। ये विषय है स्वास्थ्य और धन। हम सभी इन दोनों बातों को लेकर चिंतित हैं। वैज्ञानिक खोजों ने डॉक्टरों के पुराने विचारों को बदल दिया है कि मानव शरीर कैसे काम करता है और वस्तुतः हर कोई इसके कारण स्वस्थ है। हमें पता लग चुका है कि अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही अच्छा जीवन संभव है, इसलिए हेल्थ और फिटनेस एक उद्योग के रूप में बेहद सफल है। वहीं दूसरी ओर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या पर्सनल फाइनेंस यानी धन निवेश उद्योग या व्यक्तिगत वित्त एक अलग ही कहानी है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से आने वाले सबसे चतुर दिमाग भी बहुत ऊंचे निवेशक बन पाए हों, क्या ऐसा कोई सबूत पाया गया है? शायद नहीं। ट्रायल एंड एरर यानी सामूहिक प्रशिक्षण और त्रुटि के माध्यम से हमने बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और उन्नत रसायनज्ञ बनना तो सीख लिया, पर क्या इसी परीक्षण और त्रुटि ने हमें अपने व्यक्तिगत वित्त के साथ बेहतर बनाना सिखाया है? क्या हम खुद को कर्ज में दबे होने की कम संभावना रखते हैं? क्या आज हमारे पास किसी बुरे दिन के लिए बचत करने की अधिक संभावना है? क्या हमने अपने बुढ़ापे या सेवानिवृत्ति की सही तैयारी कर रखी है? शायद नहीं, और वो इसलिए क्योंकि आज भी हमारी खुशी के लिए पैसा क्या करता है और क्या नहीं करता, इसके बारे में हमारे विचार यथार्थवादी नहीं है। और इसका ज्यादातर कारण ये है कि हम पैसे के बारे में मनोविज्ञान की तरह यानी भावनाओं और बारीकियों के साथ नहीं सोचते, बल्कि हमेशा ही भौतिक नियमों और कानूनों को ध्यान में रखते हैं। आइए जानते हैं कि लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं। मैंने 2008 की शुरुआत में वित्त के बारे में लिखना शुरू किया था। ये दुनिया भर में आए वित्तीय संकट की सुबह थी और 80 वर्षों में सबसे खराब मंदी थी। जो हो रहा था उसके बारे में लिखने के लिए ये जानना जरूरी था कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन मैंने जो पहली चीज सीखी वो ये थी कि कोई भी सटीक रूप से ये नहीं बता सकता था कि क्या हुआ या क्यों हुआ। इसके बारे में क्या किया जाए, इसकी बात तो छोड़ ही दीजिए। हर अच्छी व्याख्या के सामने एक ठोस खंडन था।
एंजेलिया पूल के ढहने का कारण निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि ये बात है कि यदि किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित मात्रा में बल लगाया जाता है तो वो टूट जाएगा। इसके पीछे के फिजिक्स में कोई विवाद नहीं है, ये कानूनों द्वारा निर्देशित है। फाइनेंस बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, ये लोगों के व्यवहार से निर्देशित होता है, और मैं जिस तरह का व्यवहार करता हूँ वो मुझे समझ में आता है, लेकिन आपको अजीब लग सकता है। जितना अधिक मैंने वित्तीय संकट के बारे में अध्ययन किया और लिखा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे मनोविज्ञान और इतिहास के लेंस के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं, सिर्फ वित्त के नाम से नहीं। ये समझने के लिए लोग खुद को भारी कर्ज तले क्यों दफनाते हैं? आपको ब्याज दरों पर अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने लालच और असुरक्षा का अध्ययन करने की जरूरत है। कई बार निवेशक अपने निवेश को सिर्फ इसलिए सस्ते में बेच देते हैं क्योंकि वो अपने परिवार की ओर देखते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं वो अपने परिवार के भविष्य को खतरे में तो नहीं डाल रहे। ऐसे में वोल्टेयर का ये कथन यहाँ बहुत अच्छी तरह से लागू होता है कि इतिहास कभी खुद को दोहराता नहीं है, पर आदमी हमेशा दोहराता है। इस विषय पर अभी काफी चर्चा होती रहेगी, आप भी जुड़े रहें हमारे साथ। मूर्ख कोई नहीं। साल 2018 की बात है, जब लेखक मॉर्गन हाउसल ने पैसे के साथ अलग अलग तरह से व्यवहार करते समय लोगों को प्रभावित होते हुए देखा तो उस पर एक रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ जरूरी खामियों और बुरे व्यवहार के कारणों को रेखांकित किया और इसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम दिया। जल्द ही उस रिपोर्ट ने एक किताब की शक्ल ले ली और देखते ही देखते 10 लाख से अधिक लोग इसे पढ़ चुके थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हमारी चर्चा भी इसी किताब में दिए गए कुछ छोटे छोटे अंश पर हो रही है। हम बात करेंगे उन सभी 20 चैप्टर्स की जिनमें पैसे के मनोविज्ञान और इसकी विशेषताओं पर लेखक ने अपनी राय रखी है। ये किताब इस विषय में गहरा गोता लगाती है। आइए सुनते हैं कि लेखक हमसे क्या कह रहे हैं। लेखक के शब्दों में, मैं आपको एक सामान्य सी परिस्थिति के बारे में बताता हूँ। इसे जानकर शायद आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं और दूसरे लोग अपने पैसों के साथ क्या करते हैं और ये फर्क क्यों है, इस बारे में आप थोड़ा और बेहतर महसूस कर सकेंगे। ये मान लीजिए कि लोग पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण काम जरूर करते हैं, लेकिन वास्तव में मूर्ख कोई नहीं होता। यहाँ ये जानना जरूरी है कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए पैसों के प्रति हम सबका रवैया भी अलग अलग होता है। ये तो मानते हैं ना कि अलग अलग पीढ़ियों के लोग, माता पिता द्वारा अलग अलग तरीके से पाले गए लोग, अलग आय अर्जित करने वाले और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में पैदा हुए लोग, इन सभी का अनुभव और सबक बहुत अलग अलग होगा। दुनिया कैसे काम करती है इसके बारे में हर किसी का अपना एक अनूठा अनुभव होता है। आपको जो बिल्कुल बेसिर पैर का लगता है, हो सकता है वो मुझे समझ में आ रहा। जो व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा है वो जोखिम और इनाम के बारे में इस तरह सोचता है जिस तरह एक धनी बैंकर का बच्चा लाख कोशिश करने पर भी कभी सोच ना पाएगा। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान सब कुछ खो देने वाले स्टॉक ब्रोकर ने 1990 के दशक में मार्केट में उफान आने पर कुछ ऐसा अनुभव किया होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे लिए चुनौती ये है कि कितने भी खुले विचार रख लें या इस विषय पर कितना भी पढ़ लें, वास्तव में डर और अनिश्चितता नहीं समझ पाएंगे। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान सब कुछ खोना कैसा था, लेकिन मेरे दिल पर कभी भी उन लोगों की तरह भावनात्मक निशान नहीं पड़ेंगे जिन्होंने वास्तव में उसका अनुभव किया होगा। हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा ऑस्ट्रेलियाई जिसने अपने जीवन में कभी भी मंदी नहीं देखी हो, उसका अनुभव एक अमरीकी व्यक्ति से बिल्कुल अलग होगा। इस तरह ऐसे अनुभवों की सूची अंतहीन है। हो सकता है कि आप पैसों के बारे में ऐसी चीजें जानते हों जो मैं नहीं जानता, और इसके विपरीत मेरे पास कुछ ऐसा ज्ञान होगा जो आप तक नहीं पहुंचा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम में से कोई एक दूसरे से ज्यादा स्मार्ट है या उसके पास बेहतर जानकारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समान रूप से प्रेरक अनुभवों के आधार पर होते हुए भी हमने अलग अलग जीवन जिए हैं।
किसी स्प्रेडशीट को पढ़कर आपको शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट का एक छोटा सा मॉडल तो देखने को मिल सकता है, लेकिन उसे पढ़कर आपको वो एहसास नहीं मिलेंगे जो घर लौटने पर अपने बच्चों के चेहरों को देखकर मिलते हैं। अगर आप कोई ऐसी गलती करते हैं जिससे उनका जीवन प्रभावित हो, इतिहास पढ़ने से आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कुछ समझ रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसे जीते नहीं हैं और व्यक्तिगत रूप से उसके परिणामों को महसूस नहीं करते हैं, तब तक आप अपने व्यवहार को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं समझ सकते हैं। हम सभी सोचते हैं कि हमें अच्छी तरह से पता है ये दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम सभी ने इसका केवल एक छोटा सा अनुभव किया है और अभी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। मन मस्तिष्क पर असर करने वाली ये गहरी चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। समय बड़ा बलवान। इकोनॉमिस्ट्स के अनुसार हर निवेशक की जोखिम उठाने की इच्छा उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर निर्भर करती है, उसकी बुद्धि या उसकी शिक्षा पर नहीं, सिर्फ उसका भाग्य और परिस्थिति कि वो कब और कहां पैदा हुआ था, इससे ये तय होता है कि वो अपनी संपत्ति के साथ क्या करेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें लेखक ने बड़ी गहराई के साथ धन संपदा के मनोविज्ञान को समझाने की कोशिश की है। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रोस का इंटरव्यू लिया। ग्रोस ने माना कि अगर वो एक दशक पहले या बाद में पैदा हुए होते तो शायद उस जगह नहीं पहुंचे होते जहां वो आज हैं। उनका करियर ब्याज दरों में पीढ़ीगत गिरावट के साथ लगभग पूरी तरह से मेल खाता है, जिसने बॉन्ड की कीमतों को एक टेलविंड दिया। आज की पीढ़ी के लिए ये बॉन्ड बहुत सारा धन पैदा करने वाली मशीनें थी, और वहीं उनके पिता की पीढ़ी के लिए जो बहुत अधिक इन्फ्लेशन यानी महंगाई के साथ बड़े हुए, उन्हें ये पैसों की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लगता था। आधे से तो लोगों को अपने लक्ष्यों और उस समय उनके पास मौजूद निवेश विकल्पों की विशेषताओं के आधार पर ये निर्णय लेने चाहिए, लेकिन अक्सर लोग ना ऐसा नहीं करते। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि लोग अक्सर अपने ही जीवन से प्रभावित होकर ये निवेश निर्णय लेते हैं, खासकर उस समय के अनुभवों के मद्देनजर जब वो जवान थे, मतलब समय और उम्र के साथ जो बदलाव आने चाहिए वो नहीं आ पाते, और कई बार वो इस वजह से मात खा जाते हैं। यदि आप अधिक महंगाई के दौर में बड़े हुए हैं तो आपको बाजार में निवेश करने के बहुत कम अवसर मिले होंगे। वहीं अगर आप शेयर बाजार के मजबूत होने पर बड़े हुए हैं तो आपने अपने जीवन में शेयरों में अधिक पैसा निवेश किया होगा। लोगों के दो समूह सिर्फ इस वजह से शेयर बाजार के काम करने के ढंग को अलग नजर से देखते हैं क्योंकि उनके जन्म के वर्षों में लंबा अंतर रहा, और समय का ये बदलाव ही उनके दृष्टिकोण में बदलाव का एक अकेला कारण है। कौन नहीं जानता कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान के स्थानीय शेयर बाजारों का पूरी तरह सफाया हो गया था। इन देशों पर भारी बमबारी की गई थी। युद्ध के अंत में जर्मनी के किसान बहुत ही कम उत्पादन कर पाए थे। वहीं दूसरी ओर इसकी तुलना अमेरिका से करें, जहां शेयर बाजार दुगने से अधिक हो गया था और अर्थव्यवस्था लगभग दो दशकों में सबसे मजबूत थी। अब ऐसे में किसी को भी इन अलग अलग देशों के लोगों से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो पैसे, रोजगार और व्यापार जैसी बातों में एक जैसी राय रखेंगे। पैसों के बारे में उनका दृष्टिकोण अलग अलग दुनिया में बना था, और जब ऐसा होता है तब जो लोगों के एक समूह के लिए सही होता है वही दूसरे को अपमानजनक लग सकता है। अक्सर लोग अपने पैसे के साथ जो भी निर्णय लेते हैं वो उनके पास मौजूद जानकारी के हिसाब से उचित होता है। ऐसे में हो सकता है कि उन लोगों के पास गलत सूचना हो या अधूरी जानकारी, वो गणित में खराब हो सकते हैं या किसी बेकार की मार्केटिंग का शिकार, वो नहीं जान पाते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि वो अपने हिसाब से सही कर रहे होते हैं। वो खुद को राजी कर लेते हैं कि वो जो कर रहे हैं वही ठीक है। इसका एक सरल उदाहरण है लॉटरी टिकट, जिसकी अमेरिकी बाजार में सबसे ज्यादा बिक्री होती है। और ये टिकट कौन खरीदता है भला? ज्यादातर गरीब लोग। जी, वो किसी ऐसी चीज पर अपने पैसे खर्च करते हैं जिसका चांस लाखों में एक है। हम लोगों को शायद वो पागल लग सकते हैं, लेकिन हम और आप उस आय वर्ग में नहीं है ना। हो सकता है कि लॉटरी टिकट खरीदना उनके जीवन में एकमात्र ऐसा अवसर हो जब वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
हाँ, जरूरी नहीं है कि आप इस तर्क से सहमत हों, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इन टिकटों की इतनी बिक्री क्यों होती है। ये और कुछ नहीं बल्कि धन का मनोविज्ञान ही तो है। हमारी ये तर्क संगत चर्चा चलती रहेगी, आपका साथ भी बना रहे। भाग्य और जोखिम, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। जी हाँ, अपनी और दूसरों की दोनों प्रकार की सफलता की बात करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना वो प्रतीत होता है। ऐसा मानना है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी यानी NYU के प्रोफेसर स्कॉट गैलवे का। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है जाने माने लेखक और फाइनेंस एक्सपर्ट मॉर्गन हाउसल की लिखी हुई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। इस किताब में उन्होंने विस्तार से और कई कहानियों के माध्यम से ये बताया है कि धन संपदा के ज्ञान और मनोविज्ञान को कैसे समझा जाए। उन्हीं के शब्दों में, हम सभी पैसे के साथ काफी बेवकूफी वाली हरकतें करते हैं क्योंकि हम सभी इस खेल के लिए अपेक्षाकृत नए हैं। हो सकता है जो आपको पागल लगता है वो मुझे समझ में आ रहा हो। हम सभी अपने अनूठे अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो हमें एक निश्चित क्षण में ही समझ आता है। आइए आपको बिल गेट्स की कहानी सुनाता हूँ। भाग्य और जोखिम यानी लक एंड रिस्क मानो भाई बहन हो। ये सच है कि जीवन में प्रत्येक परिणाम व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य शक्तियों द्वारा भी निर्देशित होता है। ये समझ लीजिए कि आप जो खेल खेल रहे हैं जिसमें आपके अलावा दुनिया भर के करीब 7 अरब लोग भी हैं, तो इस खेल में भाग्य आपका कितना साथ देता है और आप कितना जोखिम उठाते हैं ये बहुत अहम है। आइए जानते हैं बिल गेट्स और उनके हाई स्कूल दोस्त केंट इवांस की एक बहुत ही रोचक कहानी। भाग्य देखिए, बिल दुनिया के इकलौते ऐसे हाई स्कूल लेक साइड हाई स्कूल में पढ़ने गए जहाँ एक कंप्यूटर मौजूद था। अधिकांश विश्वविद्यालय स्नातक स्कूलों में कहीं भी उतना उन्नत कंप्यूटर नहीं था जितना बिल गेट्स के पास 8वीं कक्षा में था। गेट्स जब 13 साल के थे तब उनकी मुलाकात सहपाठी पॉल एलन से हुई। एलन को भी स्कूल के कंप्यूटर का ही जुनून था। बिल और पॉल अपनी फुर्सत के सभी पल उस कंप्यूटर के साथ बिताने लगे और जल्दी ही कंप्यूटिंग विशेषज्ञ बन गए। बिल को इस बात का बहुत गर्व है कि उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए जिस स्कूल को चुना वहां कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे भी थे और दूरदर्शिता भी। अपनी कंपनी का पूरा श्रेय वो अपने स्कूल को देते हैं। उन्होंने 2005 में स्कूल की स्नातक कक्षा को बताया, अगर कोई लेकसाइड नहीं होता तो कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। सारी दुनिया जानती है कि गेट्स बहुत स्मार्ट और मेहनती हैं और एक किशोर के रूप में कंप्यूटर को लेकर उनका जो सपना था वो उसे माइक्रोसॉफ्ट के जरिए पूरा करने में सक्षम हुए। अब मैं आपको गेट्स के दोस्त केंट इवांस के बारे में बताता हूँ। जहाँ गेट्स के लिए भाग्य ने बहुत बड़ा रोल निभाया, वहीं केंट ने भाग्य के बेहद करीबी जोखिम के समान रूप से शक्तिशाली खुराक का अनुभव किया। केंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए गेट्स वापस उस उम्र में चले जाते हैं। हम साथ कॉलेज जाते थे और मुझे यकीन था कि एक दिन हम साथ काम करते। केंट गेट्स और एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर या पार्टनर भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाई स्कूल में स्नातक होने से पहले एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट की मृत्यु हो गई। जरा सोचिए कि हाई स्कूल में एक पहाड़ पर मारे जाने की संभावना लाखों में एक होती है। वहीं बिल गेट्स ने लेक साइड हाई स्कूल जाकर लाखों में से एक भाग्य का अनुभव किया। उतना ही बल, वही नतीजा, लेकिन विपरीत दिशाएं। भाग्य और जोखिम दोनों ही इस बात के गवाह हैं। लेकिन जीवन में प्रत्येक परिणाम व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य शक्तियों द्वारा भी निर्देशित होता है। दुनिया में हर बिल गेट्स के लिए एक केंट इवांस है जो कुशल और प्रेरित था, लेकिन जीवन चक्र पूरा होने से बहुत पहले ही समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब आप अपने लक और रिस्क को बराबर का मान देंगे, आपको पता लगेगा कि वित्तीय सफलता, चाहे वो आपकी हो या दूसरों की, वो कभी भी इतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितना नजर आती है। इस किताब की समरी में हम आगे जानेंगे कि सफल परिणामों में भाग्य की क्या भूमिका होती है। उम्मीद है आप भी हमारी इस चर्चा का हिस्सा बने रहेंगे।
लक बाय चांस। वर्षों पहले जब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिला से पूछा गया कि आप निवेश के बारे में क्या जानना चाहते हैं जिसे हम नहीं जान सकते, तो उन्होंने उत्तर दिया, The exact role of luck in a successful outcome, यानी सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका। वास्तव में कोई नहीं सोचता कि भाग्य वित्तीय सफलता में क्या भूमिका निभाता है, और चूंकि भाग्य को मापना मुश्किल है और जो लोग सफल होते हों उनसे ऐसा कहना थोड़ा गलत लग सकता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम अक्सर सफलता का श्रेय देने में भाग्य की बात नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और आप हैं मेरे साथ मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की चर्चा में। आइए समझते हैं इस किताब का सार उन्हीं के शब्दों में। हम सरल कहानियों को पसंद करते हैं जो समझने में आसान होती हैं, लेकिन वो कई बार हमें भटका देती हैं। निवेशकों और कारोबारियों के साथ कई बरस बिताने के बाद मुझे पता चला कि किसी और की विफलता का ठीकरा बुरे फैसलों के सर फोड़ा जाता है, जबकि आपकी खुद की विफलताएं आमतौर पर इसलिए होती हैं क्योंकि आपने एक जोखिम भरा फैसला लिया। आप कभी भी फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर उन गरीब निवेशकों को नहीं पाएंगे जिनके निर्णय तो अच्छे थे लेकिन जोखिम उठाने के कारण भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन ये मैगजीन लगभग निश्चित रूप से उन अमीर निवेशकों का जश्न मनाती है जिन्होंने सामान्य या लापरवाह निर्णय लिए पर भाग्यशाली रहे और सफल हो गए। डर इस बात का है कि हम सभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे से क्या काम करता है और क्या नहीं, कौन सी निवेश रणनीतियां काम करती हैं और कौन सी नहीं, कौन सी व्यावसायिक रणनीतियां काम करती हैं और कौन सी नहीं, आप अमीर कैसे बनते हैं, आप गरीब होने से कैसे बचते हैं। ये सब वो सवाल हैं जो लगातार हमारे जहन में आते हैं और जवाब की तलाश में हम भटकते रहते हैं भटकते रहते हैं। सफलताओं और असफलताओं को देखकर हम ये कहते हैं, इसने जो किया वो करो, जो उसने किया उससे बचो। अगर हमारे पास जादू की छड़ी होती ना तो हमें पता चलता कि इन परिणामों का अनुपात उन कार्यों के कारण होता है जो दोहराने योग्य होते हैं। लेकिन हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं, हमारे पास दिमाग है जो आसान उत्तर पसंद करता है। इसलिए जिन लक्षणों का हमें अनुकरण करना चाहिए या उनसे बचना चाहिए उनकी पहचान करना बहुत कठिन हो सकता है। आइए अब एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जो बिल गेट्स की ही तरह बहुत सफल रहा लेकिन जिसकी सफलता का श्रेय सिर्फ भाग्य को या कौशल को देना मुश्किल है। कोर्नेलियस वैंडरबिल्ट उन दिनों अपने रेल साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनके कुछ व्यापारिक सौदे अभी पूरे हो रहे थे कि उनके एक सलाहकार ने उनके पास आकर कहा कि उन्होंने कारोबारी लेन देन के लिए कानून तोड़ने तक की सहमति दी है। वैंडरबिल्ट का जवाब था, क्या आप जानते नहीं कि न्यूयॉर्क राज्य के अनुसार तो आप रेल मार्ग चला ही नहीं सकते। इसे पढ़कर मेरा पहला विचार था, शायद इस रवैये के कारण ही वो इतने सफल रहे, जबकि ये कोई शान की बात नहीं है। वैंडरबिल्ट बेतहाशा सफल होने के साथ साथ कानून की धज्जियां उड़ाने वाले के नाम से भी जाने गए। मुझे कानून की क्या परवाह, वैंडरबिल्ट ने एक बार कहा था, क्या मेरे पास शक्ति नहीं है। यहाँ बोल्ड और लापरवाह के बीच की रेखा ना बहुत महीन है। भाग्य क्या है, कौशल क्या है और जोखिम क्या है, यह हल करना आसान नहीं है। लेकिन दो चीजें आपको बेहतर दिशा की ओर ले जा सकती हैं और वो है, हमेशा ध्यान रहे कि आप किसकी प्रशंसा करते हैं और वैसा बने, और सावधान रहें कि आप किसे नीचा देखते हैं और उन जैसा बनने से बचना चाहते हैं। जब चीजें बहुत अच्छी चल रही हो ना तो जान लें कि ये उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हैं। दूसरी ओर सब गलत हो रहा हो तो भी यही समझें, कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। आगे की कहानियों में चर्चा होगी उन दो आदमियों की जिन्होंने अपनी किस्मत को अपनी काबिलियत से आगे बढ़ाया। आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक मकबरा, अब उसके लिए काफी है जिसके लिए पूरी दुनिया काफी नहीं थी। जी हाँ, यही लिखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र पर, और इससे बड़ी सच्चाई और कोई हो ही नहीं सकती। हम सारी जिंदगी बस कुछ और के पीछे भागते हुए गुजार देते हैं बिना ये सोचे कि क्या हमारे पास जो है वो काफी नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है
रुपए, पैसे, धन संपत्ति से जुड़ी उन तमाम बातों की जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सके। बात हो रही है मॉर्गन हाउसर की लिखी बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। हमारे समाज के सबसे धनी और शक्तिशाली लोगों के लिए आज जो पर्याप्त है उसकी कोई सीमा नहीं है। अमीर बनने के लिए सीमाओं को समझने की जरूरत है और ये जानना भी जरूरी है कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। आइए इसे और बेहतर ढंग से समझते हैं दो बेहद अमीर लोगों की शानदार कहानियों के जरिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने और अधिक पाने की खोज में अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास पर्याप्त या काफी नहीं है। तो शुरू करें। पहला उदाहरण रजत गुप्ता का है। रजत का जन्म भारत के एक शहर कोलकाता की मलिन बस्तियों में हुआ था और किशोरावस्था में ही वो अनाथ हो गए। अपनी छोटी सी शुरुआत के बाद कुछ ही सालों में वो दुनिया की बेहद प्रतिष्ठित फर्म के सीईओ बन गए। 2008 में उनके पास 100 मिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति थी। वो उस तरह के पैसे से कुछ भी कर सकते थे पर शायद वो पैसा उनके लिए काफी नहीं था। अब वो एक अरबपति बनना चाहते थे। फिर एक ऐसा मौका आया जब रजत ने अपनी कंपनी की गोपनीय जानकारी के जरिए बाजार से बहुत सारे शेयर्स खरीदे और रातों रात अरबपति बन गए। इस तरह इनसाइडर टिप्स का इस्तेमाल करते हुए रजत ने 1.7 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया जबकि वो ये जानते थे कि यह अपराध है। रजत और उनके सहयोगी को इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में जेल हुई, साथ ही उनका पैसा, करियर और प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी जो है बर्नी मैडोफ की कहानी। मैडोफ का नाम धोखाधड़ी की दुनिया में बदनाम है। चार्ल्स पोंजी की तरह वो भी पोंजी स्कीम्स के महारथी थे। उन्होंने अपनी योजनाओं के जरिए कई निवेशकों को ठगा। इस तरह लंबे समय तक धोखा देकर उन्होंने बेइंतहा पैसा कमाया लेकिन एक दिन उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी। मैडोफ ने दिसंबर 2008 में दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने स्वीकार किया कि उनका इन्वेस्टमेंट बिजनेस एक मल्टी बिलियन डॉलर पोंजी स्कीम है। उन्हें मार्च 2009 में दोषी ठहराया गया और 150 साल कैद की सजा दी गई और इसी साल अप्रैल के महीने में उनकी जेल में मृत्यु हो गई। क्या जानते हैं कि इस धोखाधड़ी से पहले रजत गुप्ता की तरह वो भी एक सफल व्यवसायी थे पर वैध रूप से सफल और धनी होने के बावजूद इन दोनों ने ही गलत रास्ता चुना। सवाल ये उठता है कि रजत और मैडोफ जैसे लोग जिनके पास पहले से ही करोड़ों की संपत्ति हो आखिर इतने हताश क्यों होंगे कि अपने लालच के लिए सबको जोखिम में डाल दें? लाचारी या गरीबी में किया गया अपराध इससे अलग है। अपना सब कुछ यूं दांव पर लगाना सिर्फ मूर्खता है। ये सच है कि ये काफी दुर्लभ और अनोखे मामले हैं। हम में से हर कोई शायद इससे संबंधित भी ना हो लेकिन इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पर्याप्त होने के महत्व को समझना चाहिए। मनी ऑफन कॉस्ट्स टू मच यानी पैसा अक्सर बड़ी कीमत चुकाने पर मिलता है। राल्फ वाल्डो एमर्सन की कही ये बात यहाँ 16 आने सच बैठती है। साथ ही बेंजामिन फ्रैंकलिन की कही ये बात भी कि पैसे ने अभी तक इंसान को कभी खुश नहीं किया है और ना ही करेगा। मनुष्य के पास जितना अधिक होता है वो उतना ही अधिक चाहता है। पैसा एक वैक्यूम भरने के बजाय एक वैक्यूम बनाता है और ये वही बेंजामिन फ्रैंकलिन है जिन्हें स्टेट्समैन, इन्वेंटर, डिप्लोमैट और अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स होने का दर्जा हासिल है और जिनकी तस्वीर $100 के बिल पर छपी है। ये चर्चा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। आप बने रहें हमारे साथ। क्या ये काफी नहीं? भाग दो। एक सुखी जीवन जीने के लिए हम क्या मांग सकते हैं? शांति और संतुष्टि से जीने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? वो कितना हो जो हमारे लिए काफी हो? हमें किस हद तक कमाना चाहिए? क्या है उसकी सीमा? ये बहुत सारे सवाल अक्सर मन में उठते हैं और इसका जवाब है मॉर्गन हाउसर की लिखी इस पुस्तक में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी धन का मनोविज्ञान। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एक और मजेदार किस्से के साथ। शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई एक पार्टी में कर्ट वॉनगुट ने अपने दोस्त
जोसेफ हेलर को बताया कि उनके मेजबान जो कि एक हेज फंड मैनेजर हैं, ने एक ही दिन में हेलर की तुलना में इतना पैसा कमाया जो कि हेलर ने अपने लोकप्रिय उपन्यास कैच 22 से अभी तक अर्जित किया हो। तो जानते हैं हेलर ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हाँ हो सकता है, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। पर्याप्त यानी इनफ, उस एक सरल शब्द में जीवन की सच्चाई छुपी थी। हम में से कितने लोग करोड़पति या अरबपति होंगे, गुप्ता या मारोफ की तरह? लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने वाले कई लोग अपने जीवन में इतना जरूर कमा लेंगे कि उनके पास अपनी जरूरत की हर उचित चीज और बहुत कुछ जो वो चाहते हैं को कवर करने के लिए पर्याप्त धन होगा। यदि आप उनमें से एक हैं, तो याद रखें कुछ बातें। अपने लिए बनाए गए लक्ष्य को हासिल करें, न कि उसे लगातार आगे बढ़ाते रहें। यदि हर परिणाम के साथ अपेक्षाएं बढ़ाते जाएंगे, तो कितना भी प्रयास करें, हमेशा असंतुष्ट महसूस करेंगे। आधुनिक पूंजीवाद से ये दो बातें तय हैं, धन पैदा करना और ईर्ष्या पैदा करना, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अपने साथियों से आगे निकलने की इच्छा आपकी कड़ी मेहनत के लिए ईंधन हो सकती है, लेकिन पता रहे कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। सामाजिक तुलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, उसे समाज में किसी और से तुलना करने पर हमेशा कम ही लगेगा। एक खिलाड़ी अच्छे खासे वेतन से शुरू कर सकता है, जिसे किसी भी परिभाषा से समृद्ध माना जाएगा, अगर इसकी तुलना एक नियमित व्यक्ति से की जाए तो। वहीं दूसरी ओर यदि आप इसकी तुलना बिल गेट से या वॉरेन बफेट जैसे किसी व्यक्ति से करते हैं, तो वो एक घंटे में इतना कमा लेते हैं जितना एक खिलाड़ी पूरे वर्ष में। सामाजिक तुलना एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी भी जीता नहीं जा सकता है। या इसे जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि शुरू से ही न लड़ें, बस स्वीकार करें कि आपके पास जितना है पर्याप्त है, भले वो आपके आसपास के लोगों से कम क्यों ना हो। काफी का मतलब कम नहीं होता। काफी होने का विचार रूढ़िवाद की तरह लग सकता है। अवसर और क्षमता को छोड़ना भी तो सही नहीं है ना, पर जरूरी है आपका एक ऐसी जगह पर आना जहां आपको एहसास हो कि अब आपको और अधिक पैसे को ना कहने की जरूरत है। आपके पास काफी है, चाहे आप अपने काम में पूरी तरह थक चुके हों, या निवेश में भारी जोखिम उठाने के कगार पर हों, या लालच में आकर चोरी या बेईमानी करने वाले हों। कब आपके पास काफी है, ये केवल आप ही को तय करना है। ऐसी कई चीजें हैं जो कभी भी जोखिम में डालने लायक नहीं होती हैं, चाहे उसके लाभ कुछ भी क्यों ना हो। जीवन में कुछ चीजें बस अमूल्य हैं। आपकी प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, परिवार, दोस्त, खुशी, अपनों का प्रेम और स्नेह, ये कुछ चीजें हैं जिन्हें पैसों से नहीं आंका जा सकता। इन सब को संजोए रखने में आपकी सबसे बड़ी समझदारी इस बात को जानने में है कि खुद को जोखिम लेने से रोकने का समय कब है। आपका हर वो कदम जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है वो नहीं उठाना है। साधारण शब्दों में कहें तो बस ये जानना है कि आपके पास कब पर्याप्त है। वो कहावत है ना, आपकी दौलत का असली पैमाना ये है कि अगर आपने अपना सारा पैसा गवा दिया तब भी आप कितने कीमती हैं। तो दोस्तों, धन संपत्ति के मनोविज्ञान को समझना अभी बाकी है। आप भी बने रहें हमारे साथ। लंबे समय की बचत और निवेश। वॉरेन बफे की एक बहुत ही मशहूर कहावत है, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे मत बचाओ, बल्कि बचत करने के बाद जो बचा है उसे खर्च करो। हर इस एक वाक्य में खर्च और बचत का पूरा गणित छुपा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं जानी मानी फाइनेंस जर्नलिस्ट मॉर्गन हाउसर की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। आज के इस भाग में चर्चा होगी कि किस तरह छोटी छोटी पर लंबे समय तक की गई बचत और उसके सही निवेश से कितने विशाल परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आइस एज को ही ले लीजिए। इतनी अधिक मात्रा में वो बर्फ रातों रात तो नहीं जम गई होगी, है ना? शुरुआत तब से हुई जब गर्मी कभी भी इतनी गर्म नहीं हुई कि पिछली सर्दियों की बर्फ को पिघला सके, और उस बची हुई बर्फ पर अगली सर्दियों में बर्फ जमा होना और आसान हो गया, जिससे आने वाली गर्मियों में बर्फ के चिपके रहने की संभावना बढ़ती चली गई, जो अगली सर्दियों में और भी अधिक बर्फ को आकर्षित करती चली गई। बस यही चक्र चलता रहा।
सोचिए कैसे परिस्थितियों में अपेक्षाकृत छोटे से बदलाव से कोई चीज कितनी बड़ी हो सकती है। जो एक गर्मी से बची हुई बर्फ की एक पतली परत से शुरू हुआ, वो एक दिन एक पूरा का पूरा ग्लेशियर बन गया। हिमयुग से पता चलता है कि हमें किसी जबरदस्त परिणाम के लिए कोई बहुत जबरदस्त शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करीब 2000 से अधिक पुस्तकें हैं जिनमें बताया गया है कि कैसे वॉरेन बफे ने अपना भाग्य बनाया। उनमें से कई पुस्तकें बहुत कमाल की लिखी गई हैं, लेकिन लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया, ये नहीं कि उन्होंने बरसों मेहनत की और बहुत कम उम्र से ही अपनी बचत को निवेश करना शुरू कर दिया था। उनकी अधिकतर संपत्ति उनके 50वें जन्मदिन के बाद जुड़ पाई थी और यही उनकी सफलता की असली कुंजी है। अगर यही काम उन्होंने 30 साल की उम्र में शुरू किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते तो शायद हमने उनके बारे में सुना भी ना होता। देखा जाए तो वॉरेन बफे की सारी सफलता अपनी जवानी के वर्षों में बनाए गए वित्तीय आधार और अपनी अधेड़ अवस्था में उसे बनाए रहने की वजह से हुई। उनका कौशल निवेश करना जरूर है, पर उनका रहस्य समय है। इस तरह से कंपाउंडिंग काम करती है, किसी भी चीज को बस जोड़ते चले जाना। बफे की सफलता को बयान करने वाली 2000 पुस्तकों में से किसी का भी शीर्षक दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ अ सेंचुरी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी अधिकांश सफलता की कुंजी यही है। इस गणित को समझना मुश्किल है क्योंकि ये सहज नहीं है। आर्थिक चक्रों, व्यापारिक रणनीतियों और क्षेत्र के दाव पर तो ढेरों किताबें हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पुस्तक को शट अप एंड वेट कहा जाना चाहिए। चुप रहें और इंतजार करें, क्योंकि जो कुछ भी जल्दी से हासिल होता है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता। ये मान लीजिए कि यह आपके आर्थिक विकास के लॉन्ग टर्म चार्ट का सिर्फ एक पृष्ठ है। व्यावहारिक निष्कर्ष ये है कि बहुत से निवेश के प्रयास अधिकांश निराशाजनक ट्रेंडों, खराब रणनीतियों और असफलता के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हर कोई अपने लिए सबसे अधिक निवेश रिटर्न अर्जित करने की कोशिश करता है। ये सोच सही भी है। इसके लिए हम उन लोगों को दोष नहीं दे सकते जो अपने सभी प्रयासों को इसके लिए समर्पित करते हों। उन्होंने यही सीखा है और वो इसी का प्रयास करते हैं। ये सहज रूप से अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छा निवेश हर बार सबसे ज्यादा रिटर्न अर्जित करने के बारे में ही हो। कई बार ये उच्चतम रिटर्न एक ही बार सफल होता है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ कंपाउंडिंग यानी धीरे धीरे पर लंबे समय तक जोड़ा गया निवेश बहुत अच्छा रिटर्न अर्जित करने में सफल रहता है। आप इसके साथ टिके रह सकते हैं और इसे लंबे समय तक दोहराया जा सकता है। वहीं इसके विपरीत कम समय में भारी रिटर्न अर्जित करना की सोच के पीछे कुछ दुखद कहानियां हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। धनवान बने और बने रहें। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और ऐसा करने के बारे में बहुत सारी किताबें भी हैं, लेकिन धनवान बने रहने का एक ही तरीका है, थोड़ा कम खर्चा करें और साथ ही ये डर पालें कि ये धन कभी भी समाप्त हो सकता है। अगर आपके मन में ये दोनों ख्याल रहेंगे तो स्थिति कभी भी हाथ से नहीं निकलेगी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं दो ऐसे निवेशकों की कहानी जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जिनके रास्ते लगभग एक सदी पहले टकराए जरूर थे। 1877 में जन्मे जेसी लिवरमो अपने समय के सबसे सफल निवेशक और व्यापारी थे। ये उस समय की बात है जब ज्यादातर लोग इसका